गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने पंचकुला में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और पुलिस आयुक्तालय पंचकुला में संयुक्त तत्वाधान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज विषय पर आयोजित सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ साथ एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर के साथ साथ स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कैंप लगाए जाने चाहिए ताकि लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें बताया जाए कि नशा दीमक की तरह है जो शरीर के साथ पैसे की भी बर्बादी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने नशे को खत्म करने, सप्लाई चेन को तोड़ने और नशा बेचने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को नशे से बचाकर उन्हें सही दिशा देकर अपने देश को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ साथ समाज और देश के लिए भी घातक है। कि जो हमारा यूथ है या दूसरे लोग हैं, चाहे वो इस चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसमें डिमांड हमारे हर तरफ क्यों बढ़ती जा रही है? क्या हम सफिशिएंटली उसको इसके लिए उनको इसके लिए वॉर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या हम उनको सफिशिएंटली इसके क्या नुकसान है उसके बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? क्या और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो यूथ को इस तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो और तरह के फैक्टर्स हैं जिससे यूथ इस तरफ जाना शुरू हो जाता है? क्या ये पीयर ग्रुप में कहीं इसको एग्जॉल्टेड स्टेटस तो नहीं दिया जाता कि ऑल दोज पीपल हु, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें जो पीयर ग्रुप है उसका भी बड़ा रोल रहता है, और कई बार किसी चीज़ को एक डिजायर्ड एक्टिविटी बना दिया जाता है पीयर ग्रुप में, और जो लोग उस एक्टिविटी में शामिल नहीं होते वो एक लेफ्ट आउट सा फील करते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य विभाग नशे को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने में पुलिस विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे को खत्म करने के लिए सरकार के स्तर पर गंभीरता से काम किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो उसको एक ड्यूटी समझ के काम करेंगे, एक पर्टिकुलर टास्क समझ के काम करते हैं। उस टास्क के अंदर ही वो अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं, और जो अधिकारी कर्मचारी आज के दिन में इस पर्टिकुलर समस्या से जुड़े हुए हैं, अगर कल को उनका वहाँ से स्थानांतरण हो जाता है तो नेचुरली कोई नए लोग आते हैं, नए लोग उसको नए तरीके से उसको करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जिस तरह का रोल वो प्ले कर सकती हैं, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पर रहेगा। पुलिस आयुक्त डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने कहा कि नशा एक ऐसी समस्या है जो युवाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। उन्होंने नशे को खत्म करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि नशे बेचने वाले स्रोतों तक पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि नशे की सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि पंचकुला पुलिस नशे के खिलाफ पूरी तत्परता से लड़ाई लड़ रही है, और एक विशेष अभियान के तहत इस साल अब तक 86 FIR दर्ज भी की जा चुकी है और 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे खुशी है कि जो पंचकुला पुलिस ने इस साल में जो काम किया है वो इतना एक्टिवली ड्रग्स के अगेंस्ट इन्होंने काम किया है। पिछले साल हमारे 41 केसेस FIR रजिस्टर हुई थी, इस साल 68 FIRs रजिस्टर हुई हैं। लास्ट ईयर हमारे करीब 51-52 के लोग करीब अरेस्ट हुए थे, अभी 83 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ये नंबर्स पिछले वर्ष से बहुत अधिक हैं। इसके अलावा जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। बहरहाल सेमिनार के दौरान लघु फिल्म के माध्यम से ये भी दर्शाया गया कि युवा कैसे नशे की गिरफ्त में आकर शरीर और पैसे की बर्बादी कर रहा है। ऐसे में जिला पुलिस द्वारा स्कूल कॉलेजों के साथ साथ मार्केट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।